जोड़ों का दर्द, कमर दर्द या शरीर के किसी भी हिस्से का दर्द हो, इन सब की रेमेडी, इन सब की दवा आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, कभी कभी हमारे शरीर में हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, या फिर जैसे हमें कभी हाथ या पैरों में प्लास्टर लगा हुआ हो, प्लास्टर कटने के बाद भी जो है उस जगह पर दर्द उभर जाता है। कभी कभी जब भी मौसम हमारे विपरीत होता है, यानी कि सर्दी का मौसम आता है, या फिर जो है कभी ठंड का मौसम कुछ अलग टाइप से होता है, या हम एसी में ज्यादा बैठ जाते हैं, तो हमारे बॉडी के उस पार्ट पर दर्द उभरता है जहां हमने कभी पहले प्लास्टर लगवाया हो, या फिर कहीं पहले कोई इंटरनली चोट लगी हुई हो। हमारी हड्डियों में जबकि चोट लगी होती है तो उसका दर्द जो है रह रहकर उभरता रहता है, और इस दर्द को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, पूरी तरह से इसका इलाज करने के लिए आज एक बहुत ही शानदार सा उपाय आज मैं आपके सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। उपाय जो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ही काम का है दोस्तों। अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी पेन है, किसी भी वजह से हड्डी में पेन है, बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा हो, तो आप इस चीज को ट्राई करिए और आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। इस रेमेडी को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले मैं जो चीज ले रही हूँ वो है चूना, खाने वाला चूना होता है, जिसे कि पान पर लगाकर यूज करते हैं। चूना आमतौर पर कहीं भी मिल जाता है, अगर आपको ड्राई चूना मिलता है तो उसे आप लेकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगा कर रख सकते हैं, या फिर आजकल ट्यूब में चूना मिलने लगा है उसका भी यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये पाउच वाला चूना यूज कर रही हूँ जो कि अंदर से एकदम लिक्विड फॉर्म में है, तो इस चूने का हम यूज करेंगे अपनी दवाई को बनाने के लिए। चूने में पाए जाने वाला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका पानी के साथ सेवन करने से उम्र बढ़ने वाली त्वचा की उपस्थिति में भी सुधार होता है, और इसके साथ साथ हमें चाहिए होगी सिंपल आटे की गुथी हुई लोई। गेहूं का आटा जो हम यूज करते हैं घर में, उसी आटे की गुथी हुई लोई हमें सिंपल से चाहिए, 1 रोटी के बराबर। इसके अलावा 2 चम्मच भर के हल्दी का पाउडर। तो यहाँ पर इन 3 चीजों के साथ हम आज इस रेमेडी को बनाएंगे। अब इसके लिए जो है सबसे पहले जो हमारे गुथे हुए आटे की लोई है, इसको हम रोटी की तरह थोड़ा सा फैला लेते हैं। आप चाहें तो हाथों से भी इसको मोटा मोटा कर सकते हैं, या फिर इसको बेलन से भी फैला सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रोटी की तरह फैलाऊंगी। अगर बॉडी में ज्यादा पेन है, यानी कि ज्यादा हिस्से में दर्द है, तो आप थोड़ी सी बड़ी रोटी ले सकते हैं। जितने हिस्से में दर्द है उतनी बड़ी आपको रोटी लेनी है। रोटी को हम जैसे रोटी पकाते हैं उस वैसे ही हमें पका लेना है। ऐसा नहीं है कि रोटी फूलनी जरूरी है या फिर सॉफ्ट होनी जरूरी है। रोटी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, और इसे हम उलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से लाल सेक लेंगे। तो यहाँ पर जैसे रोटी सेकते हैं वैसे ही मैंने इसको पलट दिया है। अब जब तक हमारी रोटी सेकेगी, तो रोटी यहाँ पर हमें पूरी नहीं सेकनी है। रोटी को पूरी तरह से सेकने से पहले हम अपने चूने की भी तैयारी करेंगे। और जो ये रोटी मैं सेक रही हूँ, एक बार मैं क्या करूंगी, तवे को साइड कर दूंगी। रोटी को हाफ सेक कर आप तवे को साइड रख दीजिए, और उसके बाद से जो है सबसे पहले हम चूने के साथ देख लेते हैं क्या करना है। तो तवे को हम साइड करते हैं, और इसके बाद से मैंने यहाँ पर एक दूसरा छोटा बर्तन ले लिया है जिसमें हम चूने को पकाएंगे। तो यहाँ पर ये चूने का जो पाउच है ये पूरा का पूरा मैं डाल देती हूँ। अब ये जो चूने का पाउच है ये एक बार फुल काम आ जाएगा। अगर आपके आप इस दवाई को ज्यादा दिनों तक ट्राई करना चाहते हैं, बॉडी में दर्द ज्यादा है, तो फिर आप चूने का बड़ा पैकेट भी लेकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस चूने में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें इसे लाना है एकदम लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में लाकर गैस पर इसको सिम फ्लेम पर पकाएंगे। चूना हल्का हल्का सा बुदबुदा होके पकने लगेगा, तब तक हमें चूने को पकाना है। दोस्तों, चूना जो होता है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। चूने में मौजूद जो विटामिन सी होता है वो हमारी बॉडी में जाकर एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट के रूप में काम करता है। बॉडी में अगर कहीं सूजन है उसको कम करने में ये बहुत तेजी से हेल्प करता है। साथ ही विटामिन सी के उपयोग से जो बॉडी की सूजन होती है और बॉडी में कहीं भी पेन होता है, किसी भी तरह का पेन होता है, स्पेशली हड्डियों का पेन, उसमें चूना जो है रिलीफ देने का काम करता है। चूने के लगातार इस्तेमाल से बॉडी के पेन को कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर चूना हमारा काफी बढ़िया तरीके से पक चुका है, इसे 30 से 40 सेकंड ही पकाएंगे। अब हमने जो हल्दी का पाउडर लिया था, तो इतने चूने में हमने 2 चम्मच भर के हल्दी का पाउडर लिया था। हल्दी का पाउडर डालकर तुरंत इसको मिलाएंगे, और मिलाते ही आप देखेंगे कि चूने का मिक्सचर जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। इसके बाद से हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी का यूज और करेंगे, जिससे हमारे चूने हल्दी का जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अभी भी ये मिक्सचर ड्राई लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। ऐसा नहीं है कि बहुत ही गीला घोल हम रेडी करेंगे। जब हम इसको मिक्स करेंगे तभी हमें पानी का आइडिया लगेगा। तो लगभग 5 से 6 चम्मच पानी का यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छे से चूने को बर्तन से छुड़ाते हुए हल्दी को मिक्स कर लीजिए, और इस तरह से जैम जैसा एक पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। अभी हमारा चूना यहाँ पर गरम है। अब हम वापस से जो है रोटी वाले तवे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें टाइम हो गया है जब हम रोटी को अच्छे से उलट पलट कर दोनों साइड से लाल पका लेते हैं। रोटी को अच्छे से पकाना जरूरी है,
तो रोटी को क्या करेंगे, गैस पर रखकर पका लेंगे। रोटी हमारी सिककर तैयार है। रोटी के साथ क्या करना है वो देख लेते हैं। रोटी को आप चाहें तो एक प्लेट में निकाल लें, और उसके बाद से हमने जो चूना और हल्दी का पेस्ट तैयार किया है इसे हम रोटी पर जैम की तरह फैलाएंगे। जैसे रोटी पर आपने कभी कभी जैम लगाया होगा, इस तरीके से पूरी रोटी पर हम फैला लेंगे। ये सारा काम हमें गर्म गर्म में करना है, यानी कि रोटी भी गर्म होनी चाहिए, साथ ही जो चूना हल्दी का पेस्ट है वो भी गर्म होना चाहिए। अब बॉडी के जिस पार्ट में दर्द है उस पार्ट को आप कपड़े से हटा कर रखें, यानी कि खोल कर रखें। अगर हाथों में कहीं दर्द है तो हाथों पर से कपड़े को हटा दें, पैरों में कहीं दर्द है तो पैरों पर से कपड़े को हटा दें। उसके बाद से जो है ये गर्म गरम रोटी लेकर हमें जो है क्या करना है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें चाहिए होगी इस तरह की एक गरम पट्टी, जो कि मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल होती है, घरों में भी होती है, हम लोग रखते हैं, गरम पट्टे के नाम से ये जानी जाती है। अगर आपके पास ये गरम पट्टी नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप कोई भी मोटा सूती कपड़ा लेकर उससे जो है अपनी ये दवाई जो है ये वर्क कर सकती है। जरूरी नहीं है कि गर्म पट्टी हो, पर अगर आपके पास गर्म पट्टी हो तो ये ज्यादा अच्छे से दो गुना तरीके से वर्क करती है, क्योंकि गर्म पट्टी का भी बहुत रोल होता है बॉडी के किसी भी हिस्से के दर्द को दूर करने के लिए। तो इस तरह की गर्म पट्टी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी मोटे कपड़े का यूज कर सकते हैं जो कि कई लेयर में बांधा जा सके। अब इसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इस रोटी का यूज कैसे करना है। अब चूंकि जो हमने रोटी सेकी है वो गर्म ही है, गर्म गर्म रोटी को जहां पर दर्द है, जैसे मान लीजिए हाथ के इस पार्ट में दर्द है, तो हम क्या करेंगे, रोटी को उठाकर इसे सिकाई करेंगे। पहले तो नीचे रोटी का जो नीचे का हिस्सा गर्म है इससे जो है दर्द पर हल्के हल्के से इस तरह से रखकर, जब तक रोटी में हल्की हल्की सी गर्माहट है, लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए आप इस पार्ट को हल्का हल्का सा सेक लीजिए। और जब लगे कि चूना और हल्दी हल्के से ठंडे हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म अगर हम रखेंगे तो हाथों पे फफोले पड़ने का डर होता है या फिर स्किन हमारी लाल हो सकती है, तो हल्के हल्के से जब ये चीजें हल्की सी ठंडी हो जाए तब हम क्या करेंगे, रोटी को पलट देंगे। रोटी को कैसे पलटेंगे ये देख लीजिए। मान लीजिए हमारे हाथों में दर्द है तो हम रोटी के इस हिस्से को पलट कर इस तरीके से हाथों पर अच्छे से दबा देंगे, और उसके बाद से जो है जो गर्म पट्टी है हमारे पास उसकी हेल्प लेकर, तो आप जो है इसमें किसी और की हेल्प ले सकते हैं जो आपके हाथों पर या फिर पैरों पर अच्छे से पट्टी को बांध सके। रोटी पर अच्छे से घुमाते हुए इस गर्म पट्टे को बांध लेना है, और उसके बाद से जो है इसको छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए। अभी तो मैं ये काम दोस्तों अकेले करके दिखा रही हूँ तो पट्टी आपको ढीली लग रही होगी, पर यहाँ पर पट्टी को आपको अच्छे से टाइटली बांधना है। रोटी के ऊपर अच्छे से बांधिएगा, रोटी पूरी कवर होनी चाहिए, हल्दी चूने का पार्ट कवर होना चाहिए। बॉडी के जिस हिस्से में दर्द है उस हिस्से में आप ये काम कर सकते हैं, चाहे कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, हाथों में कहीं दर्द है या फिर कमर के किसी हिस्से में दर्द है। और जितने ज्यादा हिस्से में दर्द है रोटी आप उतनी बड़ी बनाकर चूने का लेप लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको 2 से 3 घंटे छोड़िए, और जब आपको लगे कि अंदर का चूना वाला मिक्सचर ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा हो गया है, ड्राई हो चुका है, तो फिर आप इस पट्टी को हटाकर रोटी को हटा लीजिए और अच्छे से ठंडे पानी से उस जगह को वॉश कर लीजिए। फिर आप देखिए इस चीज को, आपको अगर दर्द ज्यादा है तो कम से कम आपको 15 से 20 दिनों तक दोहराते रहना है। दर्द कम है तो आप हफ्ते भर करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इस तरीके से कहीं भी कोई भी पेन हो बॉडी में आप जो है ये वाली चीज ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, स्पेशली हड्डियों के दर्द में। तो दोस्तों आज की रेमेडी बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम की है, जिसके काम की है उसको शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।